स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड इसमें पढ़ेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा। नाउ मीन और एक्स बार, मीन को हम कैसे लिखते हैं, एक्स बार। मीन और एक्स बार इज इक्वल टू एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू टिल एफ एन एक्स एन अपॉन एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ एन। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स क्या होता है, क्लास मार्क। नाउ अब इस एफ एक्स को, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एफ एक्स हैं, उन सब का समेशन, मतलब उन सब का सम हम लेते हैं, ठीक है। सो योर फाइनल फॉर्मूला इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, वेर या दिस इज द सिंबल ऑफ अ समेशन। ऊपर एन है, मतलब टोटल कितने एफ एक्स थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने वैल्यूज हैं। वेर आई इज इक्वल टू वन, सो यहां पे जनरल फॉर्मूला क्या है, मीन और एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज, की कितने वैल्यूज हैं क्वेश्चन में, एंड आई इज इक्वल टू वन। सो जनरल फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। आई की जगह पे क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव अप टू एन, मतलब ऊपर एन अगर फाइव है, सो आई मैक्सिमम कहां तक जाएगा, फाइव तक, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन अ टेबल बिलो। मतलब 30 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स दिए हैं जो कि आउट ऑफ 100 हैं। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड, एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, ठीक है। सो अब देखो, जब भी ऐसा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ लेते हो, हम कितने कॉलम्स बनाएंगे, थ्री कॉलम्स। क्यों, सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड दैट इज योर एक्स, ठीक है, लाइन से लिख दोगे। नेक्स्ट कॉलम होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज एफ, लाइन से लिख दोगे, एंड नेक्स्ट होगा एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा, 10 इंटू 1, 20 इंटू 1, 36 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 95 इंटू 1, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज को आप ऐड करोगे एंड नीचे आपको मिलेगा समेशन एफ एक्स, ठीक है, एंड ये क्या होगा, समेशन एफ, ठीक है, समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ। अब फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। सो मीन और एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है, आई आई आई, ठीक है, एंड फिर आई इज इक्वल टू वन लिख देना अगर लिखना, और अगर नहीं लिखना हो सब डायरेक्टली लिख सकते हो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये एन हो गया, आई इज इक्वल टू वन एंड आई इज इक्वल टू वन। सो एक्स बार कितना होगा, समेशन एफ एक्स कितना है, 1779 डिवाइडेड बाई 30, 1779 डिवाइडेड बाई 30 विच इज इक्वल टू 59.3, ठीक है। सो देयरफॉर द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 59.3, ठीक है। नाउ ये जो मेथड है जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किया समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। नाउ देयर आर थ्री मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। ये तीनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ वीडियो पॉज करो एंड यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूले लिख लो एक बार अपनी नोटबुक में, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अज्यूम्ड मीन मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, एंड स्टेप डिविएशन मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ। ये क्या है, मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। सो हमने अभी तक डायरेक्ट मेथड कर लिया, ओके। नेक्स्ट, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि जो भी इंडिया में, जो भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज में कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स है, उसका हमें एक डेटा दिया है।
फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाई ऑल द थ्री मेथड्स. ठीक है भाई, ऑल द थ्री मेथड्स. अब यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट मेथड समझा दिया, इसीलिए मैं डायरेक्ट मेथड यहाँ नहीं रिपीट कर रही हूँ. ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स यहाँ दिया है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 एंड सो ऑन. एंड नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मतलब 6, मतलब 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 15 से 25 टीचर्स हैं, 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 25 से 35 टीचर्स हैं एंड सो ऑन. ठीक है, सो अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड देखो. फॉर ईच क्लास इंटरवल वी रिक्वायर अ पॉइंट विच वुड सर्व एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल क्लास. ठीक है, मैं एक बार समझा रही हूँ क्या होता है डायरेक्ट मेथड. कि जो क्लास इंटरवल, व्हाट इज योर क्लास इंटरवल, 15 to 25, 25 to 35 एंड सो ऑन, दिस इज योर क्लास इंटरवल. फॉर ईच क्लास इंटरवल वी रिक्वायर अ पॉइंट, मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जो कि वो एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, इट इज अज्यूम्ड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट विच कैन बी फाउंड यूजिंग द क्लास मार्क. मतलब बोल रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज नंबर ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, क्या हुआ फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ. सो ये जो 6 है, ठीक है, यहाँ पे 15 to 25 देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ 15 to 25 एंड इसका फ्रीक्वेंसी 6 है. सो ये जो 6 है ये कहाँ सेंटर्ड है, इस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट में ये क्या फ्रीक्वेंसी सेंटर्ड है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं. सो अब क्या करना पड़ेगा, अब आप बोलोगे यार मिड पॉइंट तो दिया ही नहीं है, वो कैसे फाइंड करेंगे. अब मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क. ठीक है, सो क्लास मार्क और योर मिड पॉइंट इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2. 25 क्या है अपर क्लास लिमिट, 15 क्या है लोअर क्लास लिमिट, सो 25 प्लस 15 अपॉन 2. ठीक है, सो दैट विल कम टू 20. सो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड है तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, दैट इज सी आई एक्स एफ एन एफ एक्स. सो अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ करके. ठीक है, सो विच इज इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू x बार इक्वल टू 1390 अपॉन 35. ठीक है, ये आप सॉल्व करो एंड आंसर लिखोगे. डन, समझ आया. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ देखो, वी कैन चेंज ईच एक्स आई टू अ स्मॉलर नंबर फॉर इजी कैलकुलेशन. अब देखो जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या है, डायरेक्टली एफ इन टू एक्स करते हो. बट अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड में फ्रीक्वेंसी तो आप कभी नहीं चेंज कर सकते, बट जो एक्स है दैट इज योर क्लास मार्क है, आप उसको छोटा कर सकते हो ताकि आप मल्टीप्लाई इजिली कर सको. तो वो ही पर्पज के लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड फॉलो करते हैं. सो स्टेप वन इन अज्यूम्ड मीन मेथड, चूज वन अमॉन्ग द एक्स साइन एज द अज्यूम्ड मीन एंड डिनोट इट बाई ए. ए में लाई इन द सेंटर ऑफ एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन. मतलब क्या है, देखो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि जितने भी एक्स है, जो भी एक्स का कॉलम है, उसमें से आपको एक वैल्यू चूज करनी है एंड उसको किससे डिनोट करोगे, ए से. ठीक है, ए में लाई इन द सेंटर ऑफ वो एक्स कॉलम. स्टेप टू, फाइंड द डिफरेंस डी आई बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द एक्स, दैट इज द डिविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्स. मतलब क्या करोगे, अब जो आपने एक ए ले लिया, सो एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, ऐसे आप करोगे. ए सेम रहेगा, एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी. क्यों, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड सो ऑन. अब उसे हम क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं डिविएशन. मतलब ए का कितना डिविएशन है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्स. ठीक है, सो वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तभी x की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे i है. वेल i इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो di आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सी आई क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, क्लास मार्क ये x है, 20 30 40, समझ गए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके. अब देखो यहाँ पे 11 into 30 6 into 20 7 into 40 सब मल्टीप्लाई करोगे, उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप गलत कैलकुलेशन करो या फिर आपके कुछ एरर्स हो.
सो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम्ड मीन मेथड लेंगे। कोई भी एक ए ले लो। अब यहाँ पे मैंने इस 50 को ए लिया है, मैंने 50 को क्या लिया है, ए, अज्यूम्ड मिड पॉइंट, ठीक है। ए क्या है आपका, एंड ए ईच ऑफ द एक्स आई, दैट इज द डिविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ द एक्स आई, ठीक है। हम वे वी विल चूज वन अमॉन्ग द एक्स आई एज द अज्यूम्ड मीन, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 50 को क्या अज्यूम किया, एज अज्यूम्ड मीन। एंड देखो ये मिड पॉइंट में क्यों, क्योंकि इसके पहले भी तीन वैल्यूज ऑफ एक्स है एंड इसके बाद भी तीन वैल्यूज ऑफ एक्स है, तो 50 क्या हुआ, मिड पॉइंट, सेंटर में आया एक्स के। अब आप क्या फाइंड करोगे, डिफरेंस, डिफरेंस डी क्या होगा, एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 50। सो 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20 एंड सो ऑन, समझ आया। फिर आप क्या करोगे, एफ इंटू डी, एफ आई इंटू डी आई, दिस इज योर सम, दैट इज जैसे प्रोडक्ट, जैसे एफ एक्स करते थे वैसे अब एफ इंटू डी करोगे। सो दैट इज 6 इंटू माइनस 30, दैट इज माइनस 180, 11 इंटू माइनस 20, दैट इज माइनस 220 एंड सो ऑन। एंड लास्ट में आपको यहां मिलेगा समेशन एफ डी, ठीक है। ये क्या होगा, समेशन एफ डी, एंड ये होगा समेशन एफ, ठीक है। सो यहाँ पे आपका x बार का फॉर्मूला क्या है, अंडर अज्यूम्ड मीन मेथड x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन f, दैट इज x बार इज इक्वल टू 50 प्लस f समेशन एफ डी कितना था, माइनस 360, माइनस 360 अपॉन 35 विच इज इक्वल टू 39.71, समझ आया। सो दिस इज योर मीन। नेक्स्ट स्टेप, डिविएशन मेथड। नाउ अब यहाँ पे जो भी आपने अज्यूम्ड मीन में किया वहां तक एज इट इज करोगे, मतलब डी तक एज इट इज फाइंड करोगे, उसके बाद सिर्फ एक स्टेप ऐड हो जाता है एंड वो स्टेप डिविएशन मेथड में है। सो फर्स्ट चूज वन अमॉन्ग द एक्स आई एज द अज्यूम्ड मीन, जो कि आप ए चूज करोगे। स्टेप टू, फाइंड द डिफरेंस डी आई बिटवीन ए एंड ईच ऑफ द एक्स, दैट इज डिविएशन ऑफ ए फ्रॉम एक्स। थर्ड, डिवाइड द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन स्टेप टू बाय द क्लास साइज एच, दिस इज द न्यू पॉइंट जो कि स्टेप डिविएशन में है। क्या कि अब आपको क्लास साइज जो सपोज 15 to 25, यहाँ क्लास साइज कितना है 10, सो अब x माइनस ए को आप किससे डिवाइड करोगे, 10 से, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। एंड उसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। सो अब जैसे आप अज्यूम्ड मीन मेथड में f d करते थे, अब स्टेप डिविएशन मेथड में आप f u करोगे, समझ आया। वेर u इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, जो कि स्टेप टू में था, अपॉन h, दैट इज d अपॉन h, ठीक है। सो नाउ यहाँ क्लास इंटरवल क्या है, 15 to 25, 25 to 35, सो क्लास साइज आपका कितना है, क्लास साइज इज इक्वल टू 10, दैट इज योर एच। सो फ्रीक्वेंसी एज इट इज, क्लास मार्क भी सेम एज इट इज, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। डी क्या होगा, एक्स आई माइनस 50, ये हम सेम लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो यहाँ पे हमने 50 को ए अज्यूम किया था, आपको डी समझ आ गया, डी कैसे ढूंढना है। अब एडिशनल स्टेप, यू चाहिए, यू क्या होगा, डी अपॉन एच और एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये एक्स आई माइनस ए अपॉन एच और डी अपॉन एच। सो माइनस 30 डिवाइड बाई 10, एच क्या है यहाँ पे 10, क्लास साइज इज 10, सो माइनस 30 अपॉन 10 इज माइनस 3, माइनस 20 अपॉन 10 इज माइनस 2 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे 50 माइनस 50 क्या होगा, 0, सो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट 0 होगा। सो अब समेशन एफ यू क्या होगा, इन सबको ऐड करोगे सो ये आपको मिला समेशन एफ यू। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ स्टेप डिविएशन मेथड, समझ आया, फ्रीक्वेंसी एंड एफ यू का आप टोटल करोगे। सो स्टेप डिविएशन मेथड में मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन एफ, ए कितना था 50, दैट इज 50 प्लस 10, दैट इज योर क्लास साइज, इंटू माइनस 36 अपॉन 35 विच इज इक्वल टू 39.71। अब देखो पिछले सम में भी यही था, इस सम में भी यही था 39.71, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। नाउ रिजल्ट, द रिजल्ट और द मीन ऑब्टेन बाई ऑल द थ्री मेथड्स इज द सेम,
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया, मतलब कि आप सेम क्वेश्चन में तीनों मेथड से सॉल्व करो आपको सेम मीन मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपने लास्ट समय देखा 39.71 अज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डिविएशन मेथड से। नाउ इफ एक्स आई एंड एफ आई आर सफिशियंटली स्मॉल, मतलब एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों बहुत छोटा है, सो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे। अगर एक्स आई एंड एफ आई बहुत लार्ज नंबर्स हैं, बहुत बड़े हैं, तो आप क्या करोगे, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन इजी करना है। नाउ इफ द क्लास साइजेस आर अनइक्वल, क्लास साइज अनइक्वल मतलब कि सपोज फर्स्ट इंटरवल में दो है, सेकेंड इंटरवल में डिफरेंस पांच है एंड सो ऑन, एंड एक्स इज न्यूमेरिकली लार्ज, मतलब कि जो एक्स है, जो क्लास मार्क है, वो भी बड़ा है, देन वी कैन स्टिल अप्लाई स्टेप डिविएशन मेथड बाई टेकिंग एच टू बी अ सूटेबल डिवाइजर ऑफ ऑल द डी आई, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या कि एच क्या होगा, सूटेबल डिवाइजर, मतलब कि सारे जो भी एक्स है वो इस एच से डिवाइड हो पाएंगे। नाउ द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार स्टिल होल्ड्स इफ ए एंड एच आर नॉट एज गिवन अबव, मतलब कि अभी जो आपने ऊपर देखा यू क्या था, समेशन एफ अपॉन समेशन एफ, सो अगर यू, अगर ए एंड एच आपको ऊपर क्वेश्चन से नहीं मिल पा रहा, बट फिर भी आप ये जो इक्वेशन है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, वो ट्रू होगा प्रोवाइडेड ए एंड एच क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो गए तब ये इक्वेशन नहीं ट्रू होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे यू बार क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। समझ आया, हम स्टेप डिविएशन मेथड में देख रहे थे। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बोलर्स इन वन डे क्रिकेट मैच, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि कितने विकेट बोलर ने लिया वो दिखा रहा है। फाइंड द मीन ऑफ द विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई, ठीक है। सो नंबर ऑफ विकेट्स एंड नंबर ऑफ बोलर्स है। नाउ सेम सी आई दैट इज 20 to 60, 60 to 100, 100 to 150। अब देखो 20 to 60 डिफरेंस कितना है, 40, 60 to 100 डिफरेंस कितना है, 40, 100 to 150, 50, 50 to 250, 100। अनइक्वल क्लास साइज है तो मतलब आप क्या यूज करोगे, स्टेप डिविएशन। फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास मार्क सेम होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, ठीक है। मतलब जब भी क्लास साइज मैच नहीं हो कोई बात नहीं, क्लास मार्क का सेम फॉर्मूला होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, डिफरेंस सेम। यहाँ पे आप क्या सबसे पहले अज्यूम करोगे, ए अज्यूम करोगे। मैंने यहाँ ए क्या अज्यूम किया, 200। क्यों? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन इजी होगा 40 minus 200, 80 minus 200 करने में, इसीलिए मैंने ए 200 लिया। सो डी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। सो आपने किया 40 minus 200, 80 minus 200, 125 minus 200 एंड सो ऑन। फिर यू क्या होगा, एक्स माइनस ए अपॉन एच, दैट इज एक्स आई अपॉन ए माइनस ए अपॉन एच और डी अपॉन एच, करेक्ट। यहाँ पे एच क्या है, अब एच हमें ऐसा सूटेबल लेना है जिससे कि आपके सारे जो ये है वो डिवाइड हो सके, ठीक है। सो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ विकेट्स एंड नंबर ऑफ बॉलर्स हैं, यहाँ पे हमें ये मिला डिफरेंस। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए जो कि ऐसा नंबर चाहिए जो कि 160 से डिवाइड हो सके। सो एच हमने क्या लिया, 20, ठीक है। कैसे, क्योंकि 160 डिवाइड बाय 20 क्या होगा, 28 is 160, सिमिलरली 26 is 120 एंड सो ऑन। सो एच यहाँ क्या हो गया, 20, एंड फिर यू मिल गया एंड एफ यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू दिस कॉलम, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। समझ आया, सो आपको क्या मिला, -106 एंड समेशन एफ कितना है, 45। सो हियर द क्लास साइज वेरीज एंड द एक्स आई आर लार्ज, सो वी विल अप्लाई द स्टेप डिविएशन मेथड विथ ए इज इक्वल टू 200 एंड एच इज इक्वल टू 20, करेक्ट। सो क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ, दैट इज इक्वल टू 200 plus 20 into -106 upon 45, which is equal to 200 minus 47.11, that is 152.89। समझ आया।
सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने स्टैटिस्टिक्स में तीन मेथड देखे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड. ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तीनों के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं. स्टेप डिविएशन मेथड इज द लॉन्गेस्ट एंड डायरेक्ट मेथड इज द शॉर्टेस्ट. ठीक है, ऐसे याद रखो. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. नेक्स्ट सेशन में हम आगे और टाइप के सम्स देखेंगे, सो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.